सबसे पहले मैं पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद जवानों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए। दुख की इस घड़ी में मेरी और हर भारतीय की संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। इस समय जो देश की अपेक्षाएं कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई। हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर, उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा आप सबको 14 फरवरी को देश के ऊपर पुलवामा आतंकवादी हमले के बारे में तो पता ही होगा, जिसमें 40 जवान शहीद हुए और पूरे देश में एक गुस्से की लहर फैल गई। मोदी जी से पूरा देश एक पाकिस्तान से बदला लेने की उम्मीद लेके बैठ गया और मोदी जी ने भी कह दिया कि शहीदों का एक बूंद खून भी व्यर्थ नहीं जाएगा। उसी दिन से मोदी जी ने एक्शन लेने की शुरुआत की, तब से लेके अब तक पाकिस्तान से व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की बर्बादी करने की हर एक कोशिश की जा रही है, लेकिन देश आर्मी की एक्शन की मांग कर रहा है बदले की और 40 के बदले में 400 आतंकवादी खत्म करने की मांग कर रहा है। हालांकि इस बात को मोदी जी भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और इस बात को भी जानते हैं कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय देशों के सामने बेशर्म कहलाए, फिर भी पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह एक न्यूक्लियर पावर देश है। अंतर्राष्ट्रीय देशों के तहत एक करार के अनुसार न्यूक्लियर वेपन योजना करने का तय हुआ है और जो भी देश न्यूक्लियर वेपन यूज करता है वो दोषी ठहरेगा यूएन के सामने। करने से न्यूक्लियर वॉर होने की आशंका है क्योंकि दोनों सेहों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स के सिवाय बहुत ऐसे वेपन्स है जो भारत यूज कर सकता है, जैसे कि सीरिया में आतंकवादियों के खिलाफ अमेरिका ने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स उसे किया और रूस रशिया ने फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स यूज किया, जो कि आज तक के सबसे बड़े नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे। खबरों की माने तो मोदी जी परमानेंट सलूशन ढूंढ रहे हैं, वह क्या है ये जानने के लिए पार्ट 2 वीडियो देखिए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।